तो फाइनली दोस्तों एसएससी ने एसएससी जेई के एडमिट कार्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिए हैं। जो भी कैंडिडेट एसएससी के एडमिट कार्ड देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको एक वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने एसएससी जेई का एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करेंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो साथियों मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं हूं इस टाइम एसएससी की यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और साथियों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों मैं ये नहीं कि आपका सीआर रीजन जितने भी ऑल रीजन थे सभी रीजन के बारे में बताऊंगा कि जितने भी रीजन है कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। सो प्लीज़ आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों आपको मैं बताऊँ कि देखिए पहली बार मैं आपको क्या करना है, जैसे ही मैं आपको लिंक दे दूंगा यहाँ का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सभी रीजन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आपको ये खोल लेना है। जैसे ही आप अगर खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है गूगल टैब में सर्च करना है एसएससी। टाइप करने के बाद आपको पहला लिंक खुलेगा। पहले लिंक खोलने के बाद आपके सामने कुछ है, उस पर आप टच करेंगे तो आपके सामने ऐसा लिंक खुल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए एक टैब आ रहा है ऊपर एडमिट कार्ड का, एडमिट कार्ड वाले सेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एडमिट कार्ड वाले सेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ आ रहा है। ये देखिए आपका जो सभी रीजन है, मान लो आपका ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका रीजन, साउदर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं तो उस रीजन से आप निकाल सकते हैं। मान लो मैं सेंट्रल रीजन का आपके लिए एडमिट कार्ड निकाल के दिखाता हूँ, तो देखिए मैं सेंट्रल रीजन पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं सेंट्रल रीजन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। जैसे ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है तो आपको क्या करना है, देखिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, तो सिंपली आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। इस क्लिक हेयर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मान लो मैं इस क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने के दिए हैं, आपको केवल प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए अब मैं प्रोसीड नाउ पे जैसे क्लिक करता हूँ आपके सामने देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। देखिए उसके बाद आपको देखिए आप एडमिट कार्ड जो है तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, एक आपका रोल नंबर होना चाहिए, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है अगर मान लो कि केवल आपको नाम अपना पिताजी का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हम यहाँ से करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पे वुमेन वेरीफाई कर देंगे, जैसे 3+1=4। उस प्रकार से यहाँ पे सेम यहीं पे रोल नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और ये करने के बाद सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे। मान लो हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम पे क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम डालना है, अपने पिताजी का नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ डालनी है और 3 और 1=4 ये प्लस कर देना है। वुमेन वेरीफाई करने के बाद सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपनी डिटेल फिल करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने अपनी डिटेल फिल करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आप डिटेल फिल कर लेंगे उसके बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं सर्च बटन पे देखिए आपके सामने क्लिक करूँगा तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, देखिए मैं डिटेल नहीं दिखा सकता आपके लिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे एक टिक लग रहा होगा, ये आपको अभी दिखाता हूँ एक मिनट। जैसे ही आपको टिक लग रहा है देखिए यहाँ ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन को आपको पढ़ना है। देखिए उसके बाद यहाँ पे एक टिक लग रहा है, यहाँ पे एक टिक है, इसको आप टिक करना है, ऐसे करना है। जैसे आप मैं इसको करता हूँ क्लिक, देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो आपके सामने जैसे इंटरफेस खुल के आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, आप इंस्ट्रक्शन आप हिंदी में करना चाहते हैं या इंग्लिश में। मान लो हम इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इंग्लिश में आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इंग्लिश में आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों फाइनली हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, आप इस प्रकार से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अब मेरा पूरा डिटेल, मेरा सब कुछ दिखाया गया इसमें, सब कुछ दिखा रहा है इस टाइम कि मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ पर है, मेरा ये सब कुछ दिखा रहा है, किस डिटेल पे है, सारा कुछ दिखा रहा है। तो आप इसको इस प्रकार से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप आप इसको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी समझ में आ गई होगी कि देखिए
इसमें COVID-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भर के ले जाना है आपके। देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये आपको भरना पड़ेगा या फिर आप वहाँ से भी एग्ज़ाम सेंटर पे आपको भरवाएंगे, हो सकता है आपको वहाँ पे भरवाएं लेकिन यहाँ पर आपको भर के ले जाना होगा। तो देखिए आप इंस्ट्रक्शन पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आप इनका एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इनकी एग्ज़ाम डेट जो है आपकी 28 तारीख को इनका एग्ज़ाम है, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक एग्ज़ाम। और देखिए आपको बस इतना ही इस वीडियो में बताने वाला था, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें क्योंकि साथियों आपके साथ आपके दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ दोस्तों, और साथ ही मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती हैं। और साथ ही मैं आपको एक बात, और हमारे यूट्यूब चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और UPSC से रिलेटेड, SSC से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो साथ ही इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।